चलिए सर ओपन हो गया देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा था सर फिक्स इनकम देख लिया और मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ सीधा तीन टॉपिक्स हैं बेसिकली ये वाला टॉपिक खत्म हो गया वाई टी एम वाई सी हाँ जी दोबारा करा दूंगा ये और होल्डिंग वो पांच मिनट का काम है वो वाला करना ठीक है ना चलिए ये क्वेश्चंस कर लिया था और इसके कुछ हमने फॉर्मूले देख लिए थे और इससे रिलेटेड मैंने जहाँ तक मुझे याद है सारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर नाइन नहीं कराया था आज हो जाएगा टेन अब बताइए ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का डाउट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला इसका वीडियो मिसिंग है सर तो मैं एक काम करता हूँ यहीं से स्टार्ट करता हूं और यहीं से मैं दोबारा करा देता हूँ रीजन ये कि उस दिन शायद वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई या क्या नहीं हुआ वो थोड़ा सा मेरे माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ है तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ ठीक है तो सर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे डी डी बी सबसे पहले डी डी बी का मतलब क्या है आप जीरो या फिर डीप डिस्काउंट डिस्काउंट बॉन्ड साहब जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है मैंने कहा भैया आप सब इन्वेस्टर हो आप एक काम करो मुझे दे दो नौ सौ रुपए और मैं आपको दो साल बाद रिटर्न कर दूंगा आपको रिटर्न कर दूंगा हजार रुपए या एक साल बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा हजार रुपए तो आपने मुझे कितना दिया नौ सौ रुपए और मैं आपको रिटर्न कितना करूंगा हजार रुपये तो बीच का जो डिफरेंस आ जाता है बीच का डिफरेंस आ जाता है उसको आप इंटरेस्ट मान लो उसको आप इनकम मान लो जो मन मन करता है मान लो तो अगर मैं कहूं कि मैं आपको चीजें सस्ते पे दूंगा लेकिन अब देखो सपोज करो मैं कहूं कि भैया मैं आपको जीरो ब्याज दूंगा इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा लेकिन आप मुझे आज सात सौ रुपये दे दो और एक साल बाद मैं आपको ग्यारह सौ रुपये दे दूंगा आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं मैं बिल्कुल भी ब्याज नहीं देने वाला सात सौ दे दो मैं ग्यारह सौ रिटर्न कर दूंगा बताओ आप इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे ध्यान रखना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आप मुझे बता दो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर नहीं करोगे आप कमेंट में बता दो फटाफट थोड़े थोड़े फुर्ती में जवाब देना आज ताकि रैप अप करके चैप्टर खत्म करें बताइए मुझे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे दिया कहना यस करेंगे यस 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 करेंगे बिल्कुल सही यानी सर जिस बॉन्ड के आगे या जिस डिबेंचर के आगे इंटरेस्ट नहीं होता उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड इसका मतलब ये नहीं होता कि डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर को कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो डिस्काउंटिंग प्राइस होता है उससे बीच का जो भी डिफरेंस होता है वहीं पर उसको इसका इंटरेस्ट मिल जाता है तो आप मुझे एक बात बताइएगा जो हमने आपका सीखा हुआ है इंटरेंसिक वैल्यू निकालना इंटरेंसिक वैल्यू में क्या होता था सर आपका यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू है सपोज करो रिडीमेबल वैल्यू ग्यारह सो है अब आपको क्या होता था पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल पांचवे साल यहां भी इंटरेस्ट है यहां भी इंटरेस्ट है यहां भी इंटरेस्ट है यहां भी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट होता था तो इन सभी इंटरेस्ट को मिला के हम क्या कहते थे सर इंटरेस्ट निकाल लो इन टू में पी वी एफ कर लो ठीक है क्योंकि हमें ब्याज मिलता था प्लस आप क्या करते थे सर RV ले लो और इसमें पी वी एफ कर दो बस क्या कर दो सर पी वी एफ कर दो और कुछ भी नहीं करना बस आपने पी वी एफ कर देना बात खत्म ये फॉर्मूला था क्या आप सभी को ये वाला फॉर्मूला जितने बच्चों को पता है बताइए फटाफट ये फॉर्मूला याद है ये किसका था सर आप बी जीरो कह लो पी जीरो करंट प्राइस कह लो इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो लेकिन सर लेकिन सर आपने बोला सर ये सर ये तो पता था अब बताओ अब ये वाला तो कहानी नहीं है ना ये इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं ना जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी ना इसका मतलब सर बॉन्ड का आप बी जीरो डीप डिस्काउंट बॉन्ड का करोगे तो सिंपल होगा आरबी इंटू में पी वी एफ दैट यही फॉर्मूला बन जाएगा और कुछ भी नहीं बनेगा तो अब मेरे वाले सवाल में क्या कहता है सर मेरे वाले सवाल में कहता है फेस वैल्यू हमारा कितना है सर एक लाख है डीप डिस्काउंट बॉन्ड 25 साल के बाद रिडीमेबल होगा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिक्वाइन परसेंट है कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू डी डी बी शुड इन्वेस्ट दिस बॉन्ड अगर ये अवेलेबल प्राइस बारह मतलब के बारह में अवेलेबल हो जाए तो क्या इन्वेस्ट करना है नहीं करना वट शुड बी द इशू प्राइस बॉन्ड ऑफ द कंपनी अगर हम रेट ऑफ रिटर्न पंद्रह परसेंट कर दें ठीक है ये कुछ कुछ बातें बताई गई है तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले को लगा के हमें पता करना है कि भैया करना है या नहीं करना है इसने बारह हजार का मुझे प्राइस बता दिया है तो मैं सिंपली निकालता हूं यहाँ पे बी जीरो इज इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू कितना है सर आपका जो कि कहता है फेस वैल्यू रिडीमेबल एट पार कब पच्चीस साल बाद आपको पच्चीस साल बाद इतने रुपए मिलेंगे आज लगाओ बारह हजार साल बाद पाओ एक लाख

बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ग्यारह हजार गया. सौ भैया तो मतलब हमें कहता है कि इन्वेस्टर बाय दिस बॉन्ड इट्स अवेलेबल प्राइस बारह हजार रुपए अगर ये बारह हजार रुपए में मिलता है मतलब तो बॉन्ड को बाय करना चाहिए जवाब है नहीं सर अगर ग्यारह हजार पांच सौ में मिलेगा तभी मैं बाय करूंगा क्योंकि अगर बारह हजार रुपए इन्वेस्ट करके पच्चीस साल बाद एक लाख अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं ग्यारह हजार पांच सौ रुपए और पच्चीस साल बाद अगर मुझे मिलता है एक लाख तब तो आई एम ओके लेकिन सर आज मैं इन्वेस्ट करूं इससे ज्यादा और पच्चीस साल बाद मिले एक लाख तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करूंगा सिंपल सा लॉजिक है ये आज इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया आज इन्वेस्टमेंट कितना करना है सर आज आपको करना चाहिए ग्यारह और मिलेगा कितना सर एक लाख पच्चीस साल बाद लेकिन ये कहता है बारह हजार करोगे तो इतना मिलेगा तो करोगे मेरा जवाब है नो भाई नो अब कहता है आप बताइए क्या हमें वैल्यू क्या प्राइस होना चाहिए अगर मेरा पंद्रह परसेंट है तो मैं पंद्रह परसेंट पे रेट निकाल लूंगा इधर पंद्रह परसेंट पे रेट निकाल लूंगा यानी सर मेरा प्राइस पूछा गया है तो मैं निकाल लूंगा सर रिडीमेबल वैल्यू और पी एफ, और पंद्रह साल ठीक है न? ना नाइन पंद्रह पे तो पंद्रह पे कितने साल सर पच्चीस साल तो फटाफट पंद्रह परसेंट पर निकाल लेते हैं ये भी बड़ा आसान है one by one one एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस पच्चीस ओ oh माई गॉड तो सर ये आ गया एक लाख इंटू में जीरो पॉइंट थ्री जीरो मान लो तो इसका मतलब सर तीन हजार यानी सर इसका वैल्यू होना चाहिए टोटल तीन हजार और ये कह रहा है कि बारह हजार हो तो जी नहीं इसका सॉरी इसका तो प्राइस पूछा था तो भैया तीन हजार प्राइस होना चाहिए अगर रेट पंद्रह परसेंट है तो तो सीधी सीधी सी बात है दो पार्ट पूछा गया बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए एक तनिष्का ने बताया कि सर सिक्स इलेवन पॉइंट सिक्स हंड्रेड होगा मैंने राउंड फिगर कर दिया आई नो के इलेवन पॉइंट सिक्स आ रहा था मैंने फाइव लेके राउंड फिगर वाउंड फिगर करके कर दिया अब पंद्रह हजार ग्यारह हजार छह सौ आ जाए ग्यारह हजार सात सौ आ जाए हर चीज एवरीथिंग इज ओके मैंने राउंड फिगर लेके कर दिया है वो सर इकसठ है लास्ट एप्लीकेशन पर यस सर कॉरपोरेट अकाउंट की नहीं है काफी वीडियो सैंतालीस है अभी बट इकसठ थी लास्ट एप्लीकेशन पे कॉरपोरेट अकाउंट वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा सारा का सारा क्लास अरेंज मैं बाद में बात करूंगा कॉरपोरेट अकाउंट का लास्ट में ठीक है बताइए किसी बच्चे का डाउट ये वीडियो रह गया था और ये वीडियो मैंने आपको फिर से करवा दिया है किसी का डाउट है तो बताइए